और यह सुबह सुबह का नज़ारा सभी लोग एंजॉय करते हैं। और ये देखिएगा मोबाइल लेके राम राम जी। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ सब लोग भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सभी को जो है छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जी आज हम जा रहे हैं गढ़गंगा, तो वहाँ पे जो है नहाकर आएंगे। अभी सुबह के जो है 4:45 बजे हैं और तकरीबन ऐसी कोई 5 बजे के आसपास पहुँच लेंगे वहाँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और रास्ता भी बहुत अच्छा बना हुआ है, तो आप लोग बने रहिएगा जैसे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। तो जब भी सुबह सुबह आ चुके हैं, चाय हमारी माता ने बना दी चाय ना भैया, चाय वाय पी के जाइए आराम से और खाली पेट सही ना रहते। तो चाय पी रहे हैं और उसके बाद निकल रहे सीधे एकदम गढ़गंगा के लिए। इधर जो है देवेंद्र गाड़ी को निकाल रहा है बाहर। ये है अपनी बसंती, तो मैंने जो है इसका नाम बसंती रख दिया ब्रेजा का, तो आज से इसको मैं बसंती कहूँगा। तो जी बसंती निकलने के लिए तैयार है एकदम। तो जी फाइनली जो है अब हम निकल चुके हैं। ये आप देख सकते हो हमारे गांव की मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी है सुबह सुबह, और पहरेदार कुत्ते घूम रहे हैं। और अब आ चुके हैं हम इस टाइम बागपत रोड पे। ये है बागपत रोड हाईवे NH 334B, सोनीपत बागपत हाईवे है ये। खाली पड़ा एकदम मामला है एकदम। ये देखो ये सीधा जाएगा आपको लेके बेगमपुर, इधर बेगमपुर आबू लैन, और आप रुड़की होते रुड़की रोड भी आ गए होते निकल जाओगे मोतीपुरम के लिए। और यहाँ से हमें यू टर्न लेना पड़ेगा गढ़ रोड के लिए। ये देखो जी हमने यू टर्न ले लिया है। अब ये सीधा जो रास्ता है ये जाके रुकेगा गढ़, ये वाला देखो। ये देखेगा दोस्तों अभी कैसे लोग जा रहे हैं भर भर के गाड़ियों में इस टाइम गढ़गंगा के लिए। ये देखो सुबह सुबह सब निकले हुए हैं इस टाइम, जितनी जल्दी हो सके पहुंचा जाए और फिर उस टाइम बखत अपना उधर से लौट के आ जाए, तो ये फायदा होता है जल्दी जाने का। तो अभी जो है भैया बसंती को पिलाएंगे हम पानी। ये देखो अब सऊदी अरब का पानी के लिए आ गए हैं, और ये पड़ता है नानपुर गांव में पेट्रोल पंप। तो अभी वैसे हमारी एंट्री हो चुकी है इस टाइम हापुड़ में, हापुड़ का ही है। और जिस टाइम सऊदी अरब का पानी चल गया है, बसंती पी रही है पानी। और ये देखिएगा भाई 96 रुपये लीटर है यहाँ पेट्रोल। बसंती का पानी पिलाने के बाद हमारी बसंती चल चुकी है अब अपने मंजिल की तरफ। और अभी जो है यहाँ से गढ़गंगा लगभग 5 किलोमीटर 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। अब ज्यादा दूर नहीं है, हम लगभग आसपास में ही है। तो जी फाइनली आ चुके हैं इस टाइम हम ब्रजघाट। ये रास्ता सीधा वहीं जाएगा। अब ये देखिएगा अब बस हमें गाड़ी जो है पार्क करनी है। तो यहाँ तो आ चुके हैं भैया, यहाँ लग गया है जाम, बहुत बिकट वाला जाम। इस टाइम फंस चुके हैं हम, अभी पार्किंग मिली नहीं है, हम ही ढूंढते फिर रहे पार्किंग। तो जी फाइनली जो है हमें पार्किंग मिल चुकी है और भीड़ भाड़ होनी शुरू हो रही है वैसे धीरे धीरे। अभी हम जो है बिल्कुल ब्रजघाट के बिल्कुल घाट के ऊपर है, बिल्कुल गंगा जी के एकदम जस्ट किनारे पे आ चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो भीड़ अभी धीरे धीरे जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। ये देखो ये है ब्रजघाट का नज़ारा सुबह सुबह का। ये देखेगा आप लोग भीड़ कितनी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ है बिकट एकदम। और ये देख सकते हो सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं सभी लोग, और अभी दिन भी धीरे धीरे निकलते हुए। और जी ये देखेगा आप लोग। तो जी अभी आ चुके हैं इस टाइम अंदर, और अभी देवेंद्र भर रहा है जल। और ये देखेगा सभी लोग जो है नहाते हुए, जय हो गंगे मैया की। तो अभी जो है देवेंद्र जल भर रहा है, और यह सुबह सुबह का नज़ारा सभी लोग एंजॉय करते हैं। और भैया ये देखेगा अरे कोई ना भैया वाटर प्रूफ में कोई दिक्कत ना, पकड़ लेंगे यार। तो जो भी मैं देवेंद्र तो नहा लिए हैं, ठंड तो ना लगी, गर्म पानी है ना।
अब पानी वाकई गर्म आ रहा था दोस्तों, और अभी थोड़ा हल्का हल्का हो सकता है, जैसे सूरज निकलेगा तो गर्म ठंडा पानी हो जाए ऐसा हो सकता है। बाकी दिन निकलना शुरू हो गया है, देख सकते हो भीड़ इस टाइम भीड़ बढ़ते हुए। तो जी अभी जो है मछली को आटा खिला रहे हैं, और ये देखिएगा तो यहाँ पे काफ़ी मछलियाँ हैं, खैर अभी तो वो नहीं दिख रही हैं, और इस तरह से ये देखिएगा छोटी छोटी सी ये करके ऐसे और इस तरह। तो जी ये देखो सुबह सुबह का नज़ारा अभी कितना प्यारा दृश्य आ रहा है दोस्तों, भीड़ इस टाइम बढ़ते हुए बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है दोस्तों। और जी ये देखिएगा आप कितनी भीड़ हो चुकी है इस टाइम, लोग बाग अभी आ रहे हैं भैया, आप तो देखे चाहिए छोटी होली पे ज़्यादा ही आते हैं गंगा स्नान करने। ये लो जी मछली रानी जल की रानी है भैया, जय हो गंगे मैया। तो अब जो है जी प्रसाद ले रहे हैं, प्रसाद लेकर फिर सीधे निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि जाम लग चुका है बहुत बिकट। ये देखो कितनी गाड़ी खड़ी हैं, और जाम है भाई साहब बहुत तकड़े वाला, देखी चाहिए जाम भैया, देखी चाहिए कैसा कैसा निकला जाएगा। बस अभी तैयारी कर रहे हैं बस हम भी निकलने की, और भैया जाम से हालत ख़राब हो चुकी है इस टाइम, ये देख सकते हो आप बिल्कुल बिकट जाम है लगा हुआ हालत। तो जी अभी आध घंटे की मशक्कत के बाद में जाम से निकल चुके हैं, और भैया अब आगे रोड पर लगे हैं, तो अभी सीधे निकल लिए घर के लिए। जब जो है ब्रज घाट से आ चुके हैं भैया देवतान पे, तो अभी देवतान पे जो है जल चढ़ाएंगे, और जल चढ़ाने के बाद फिर निकलेंगे सीधा घर के लिए। तो जी अभी जो है हवन की तैयारी चल रही है, वह बर बैठे हैं अभी तैयारी कर रहे हैं हवन की, ये बिल्कुल हमारे एकदम टाइम पे वो देखे। तो जी अब आ चुके हैं घर, और भैया अपनी यात्रा सफल हुई और अभी निकल रहे हैं घर। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो जी मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में।